क्या बन रहा है? ये इसका नाम नेपाल में जो है ट्रेडिशनल जो नाम है इसका नाम है ढेड़ो, और इसमें पानी और आटा का मिक्सचर है बस। इसमें क्या है कि गर्म पानी और आटा, बस इसमें कोई टेस्ट नहीं है, नमक नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी और आटा का हलवे की तरह बन रहा है। इसमें मेहनत यह है कि जो इसका जो पार्ट जो आटा है, आटा में इतना इसका प्रेशर डालना पड़ता है इस तरह से, इसका एक भी दाना जो है चीनी के बराबर का जो ऐसे ना रहे, कच्चा ना रहे, जो दिख रहा है आपको ये बड़ा है, ये जैसे कि बिल्कुल होना चाहिए, अच्छा बैटर स्मूथ होना चाहिए ना, बबल्स नहीं होना चाहिए इसका। और इसको आप जो है चिकन के सूप, चिकन करी और या फिर चटनी के साथ दे सकते हैं। लेने का तरीका है कि इसको इतना पानी में डाला है या भून के डाला है? इसको कच्चा पानी हाफ लीटर 500 ml पानी में एक मुट्ठी आटा छोड़ दीजिएगा, जैसे उबलेगा ये बॉयल हो जाएगा हलवा की तरह। जो आटा जो हम डालेंगे शुरू में वो एक चिपकने वाला है, वो मिक्सचर हो जाता है गोंद की तरह, ताकि हम बाकी जो आटा हम डालेंगे वो उबलेगा नहीं, वो बाहर नहीं निकलेगा, ये उसको पकड़ कर रहेगा। अच्छा, और कब तक पकाना है? इसको पकाने में आधा घंटा से लेकर 45 मिनट तक लग जाता है। अच्छा, मिक्स करना इसको कंटिन्यू, इसको चलाते रहना, हिलाते रहना, मेहनत है, इसको मेहनत भी है, थोड़ा सा एनर्जी लगता है, और एनर्जी लगता है तो एनर्जी वाला ही है डाइट, हेल्दी डाइट। एक आदमी आधा किलो आटे का जो है हलवा है अकेला ही खा सकता है बिल्कुल नॉर्मली, इसको चबाना नहीं है, चबाने के दांतों में आ जाता है, जिसका सिंपल सा खाने का तरीका है किसी भी चीज़ में चटनी में तड़ी में डिप करके आप गटक लेना, जैसे कि पंछी अपना दाना चुगते हैं, चबाते नहीं है, गटक लेते हैं, आप डाइजेस्टिव है बहुत और हेल्दी है। ठीक, बन जाएगा तो दिखाना। ठीक, बनने के बाद मेरे को दिखाएंगे। ये बनाया डैडा ने गुंदरू का झोल, चटनी और ढेड़ो, ये खाता है ऐसे, चबाना नहीं होता इसका, घटकना होता है, घटकना ऐसा करो, बोलता मैं तो चबाती हूँ, नहीं होता मेरे, जिनके दांतों में प्रॉब्लम है या फिर कुछ ओल्ड एज के, जैसे मेरे दादाजी बहुत खाते थे क्योंकि इसको चबाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उनके दांत नहीं थे, मतलब कम थे बहुत ना। दिस इज अ ट्रेडिशनल नेपाली फूड। वाओ, मैं घुट नहीं सकती, मैं चबाती हूँ। चबा लो, चबाने की जरूरत नहीं है एक मिनट, एक फिल्म की अच्छा साथ खाने। अच्छा लग रहा है, 5-6 रोटी के बराबर है ये इतना। तो बहुत टेस्टी है। वेलकम टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस मुखे चैनल। आज मैं ढेरों खा रही हूँ, इसका रेसिपी चेक करो आप लोग। ढेरो इस आटा की बनती है और कोदो का आटा भी बनता है, कोदो का आटा के बदले मड़ुआ का आटा के भी बनते हैं, बड़े टेस्टी होती है। आप चिकन के साथ खाइए, चटनी के साथ खाइए, हम लोग ये गुंडों के झोल के साथ खा रहे हैं, मटन के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हो आप लोग, मतलब इतना खाओगे तो आप सोचो 5 रोटी खा रहे हो। मैं आप कलर करने जा रही हूँ, मैं लेकिन मेरे को नहीं मिल रहा है, तुमने मम्मा को चाय नहीं पिलाया पीयूष? अरे दिया था, मम्मी ने छोड़ दिया, पर मैंने पी लिया वो। ये देखिए, ये वो जानवर जो सबके चाय पी जाता है। पिछले महीने लगाया, जल्दी चला जाता है क्यों, रोज ना आते ना सर। अगर आपके पास
ब्रश ना करें तो फिर टूथब्रश से करें। आया सुन देर से पापा को दर्द करा दिया मम्मी। वो टूटता ना उसकी चुप गया उस आपको बेटे भी देखे बाल काला करते कौन प्रूफ है भाई गवर्नमेंट का सरकारी आई कार्ड है तो आप टिकट है उसमें उसमें नहीं होता है हाफ टिकट होगा या हाफ टिकट। हाफ टिकट मेरा नाम हाफ टिकट ट्रेन है माय नेम इज हाफ टिकट। पापा का नाम हाफ टिकट है मेरा और मेरा हाफ टिकट लगेगा मेरा कुल वाला। अच्छा ट्रेन 10 मैं लग जाएगा अभी इनका तो बाप रे इनको पता है खुर बुद्ध कर गया ना बनन दे चल खुर बुद्ध कर गया देगा बोल दे तो ऐसे बाप है कितने साल का वो ना टीटी पूछ रहा कितने साल का है ये चार जनों थे इन्हों चारों को टिकट नहीं काटा था हमने मनीषा नमिता विशाल अरिंदु कितने साल का सब चार साल से बोर्ड ने लगता नहीं है तो बहुत बड़े बड़े मतलब तुमने पैदा किया ना मैंने पैदा किया टीटी को जोर से भाग एनजीपी का कितना बड़ा लंबा प्लेटफॉर्म ब्रिज है ना ये भाग रहे चार हम लोग टिकट नहीं काटे थे मम्मी बच्चे चार साल के नहीं लगे इंदु नमिता आप उसके पीछे पीछे मन से अभिशाल भाग रहा है क्या लगा रहा है ये ब्लैक नारियल का तेल एलोवेरा और ऑनियन रस जूस लगा देते फोटो लगी वहाँ पर क्रिश यहाँ बैठा है किसने से बैठ के लगा रहा है मेरे बाल पहले बढ़ते भी नहीं थे अब बढ़ मैंने 2 साल पहले बहुत कोशिश की थी बाल बढ़ाने की तो पीछे से बढ़े ही नहीं पता नहीं किसी रीजन से मैंने नहीं बढ़ाया बट इस बार जब से मम्मी ने तेल लगाया वाला 6-7-8 महीने से जितना भी टाइम हो गया तब से बाल बढ़ते जा रहे हैं और अब मैं नहीं कटवाऊंगा नहीं कटवाओगे अच्छा जी अब मैं नहीं कटवाऊंगा बहुत ज्यादा लंबे हो रहे पीयूष अब मैं नहीं कटवाऊंगा बोला पीयूष डाबरी में डाबरी मछली देखने के लिए मछली मीट कैसे कैसे वहाँ पे इतने बड़े बड़े आंसर मछली और राइस खाने जा रहे आज का ब्लॉग यही खत्म करती हूँ बाय बाय पसंद आ गया तो लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकॉन टिंग टिंग कर दीजिएगा और बाय बाय फिर मिलूंगी दिवाली के बाद नमस्ते दिवाली के बाद ही मिलूंगी।